नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के इस वीडियो में। आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कमोडिटी आपकी लाइफ का। इस वक्त क्या है वो? इस वक्त है क्रूड ऑयल। यहाँ पर क्रूड ऑयल को अगर आप देखें तो $100 पर बैरल के आसपास इसकी कीमत अभी चल रही है। और अगर ये बढ़ जाए बहुत ज़्यादा अचानक से तो आपके लिए हो सकती है बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ अलग अलग पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अगर लेट से आपके पास लोन्स हैं तो वो आपकी लाइफ पे कैसे फर्क पड़ता है। सिर्फ अगर आपके पास लोन है, होम लोन भी है, क्रूड ऑयल के बढ़ने से भी उस पर बहुत फर्क पड़ता है। या फिर आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब करते हैं या आप इन्वेस्ट करते हैं, तब तो आपको हर तरीके से फर्क पड़ता है। तो यहाँ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप क्रूड ऑयल को देखें इस वक्त, तो इसके एस्टिमेट्स अगर देखें फ्यूचर के, तो बहुत ही बड़े बड़े एस्टिमेट्स आ रहे हैं। बड़े बड़े जो एनालिस्ट हैं वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अगले 2 से 3 सालों में ये $150 पर बैरल के रेट से बिक सकता है। इस साल ये लोअर प्राइस पॉइंट्स पे तो वो था $60 के आसपास, और इस वक्त ये चल रहा है $94-95 के आसपास पर बैरल। तो यहाँ से ये अगर 50% और बढ़ता है तो समझ जाइए कि अगले साल या अगले 2 सालों में बहुत दिक्कतें होने वाली हैं हमें। सबसे पहले क्या दिक्कतें होंगी? लेट्स से आपके पास लोन है, आप कहें मुझे क्रूड ऑयल से क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे पास होम लोन है ना, मेरे पास बाइक है ना कार है। लेकिन आप ऐसे सोचिए, क्रूड ऑयल जिस हिसाब से बढ़ रहा है, अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो इंडिया में महंगाई दर वापस बहुत ऊपर चलनी चाहिए। और महंगाई दर को कम करने के लिए RBI ने होम लोन्स और जितने भी लोन्स हैं उनके इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे। तो अब क्योंकि नहीं बढ़ रहे हैं कई महीनों से, ये दोबारा बढ़ने शुरू हो जाएंगे आपके ब्याज दर अगर क्रूड ऑयल ऐसे ही बढ़ता रहा शॉर्ट टर्म में। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है यहाँ पर? आप ये देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तब तो आपको एक एक इम्प्लीकेशन पता होना चाहिए। इस वक्त टायर इंडस्ट्री है, इसके स्टॉक्स नहीं चल रहे बहुत अच्छे। इसका रीज़न क्या बताया जा रहा है? क्योंकि क्रूड ऑयल ज़्यादा महंगा हो रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम एक्सपेक्टेड है ज़्यादा महंगे होंगे, तो सबसे पहले तो गाड़ियों की सेल्स कम होगी, गाड़ी में ही लगने हैं टायर, तो वहाँ एक इशू आएगा। दूसरा, जो टायर है उसका अगर आप कॉस्ट देखें तो इसमें क्रूड ऑयल के जो डेरिवेटिव्स हैं ये यूटिलाइज होते हैं 50%। तो टायर को बनाने में जो 50% रॉ मटेरियल यूज हो रहा है वो क्रूड ऑयल से रिलेटेड है या क्रूड ऑयल से एक्सट्रैक्टेड है। तो यहाँ पर कितना बड़ा रॉ मटेरियल है क्रूड ऑयल। और इसके अलावा मैं बताता हूँ कौन कौन से आपके स्टॉक्स या सेक्टर्स होंगे जिनको डायरेक्टली फर्क पड़ता है क्रूड ऑयल के प्राइस के चेंज होने से, बढ़ने से, गिरने से। सबसे पहले FMCG, जो भी FMCG कंपनीज में आपने निवेश किया है। दूसरा पेंट, चाहे एशियन पेंट्स हो, इंडिगो हो, बर्जर पेंट्स हो। इसके अलावा तीसरा क्या हो सकता है आपके हिसाब से? मैं बताता हूँ, फर्टिलाइजर, केमिकल। फर्टिलाइजर बनाना बहुत ही एनर्जी इंटेंसिव काम है, बहुत एनर्जी यूटिलाइज होती है। तो यहाँ हम खाली क्रूड ऑयल को नहीं देखेंगे, क्रूड ऑयल बढ़ रहा है तो ऑफकोर्स नेचुरल गैस भी बढ़ेगा जो कि यूज़ होता है फर्टिलाइजर बनाने में। इसके अलावा आपको क्या लगता है, जितने भी प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बनते हैं वहाँ भी क्रूड ऑयल एज अ रॉ मटेरियल या प्रोसेसिंग में यूज़ होता ही होता है। और इसके अलावा आप जितनी भी सेक्टर्स देख लें, वहाँ पे जो भी ट्रांसपोर्टेशन का काम है, जो वाया रोड ट्रांसपोर्ट होती हो, राइट, वो क्रूड ऑयल वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और डायरेक्टली कहाँ, एक और सेक्टर कौन सा है? एयरलाइंस को हम बोलते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है जहाँ पे क्रूड ऑयल बहुत ही क्रूशल है, एक कह सकते हैं बड़ा इनपुट कॉस्ट है एयरलाइंस के लिए भी। तो कितना इंपॉर्टेंट है क्रूड ऑयल के प्राइसेस का इंपैक्ट पता होना अगर आप निवेश करते हैं। और अगर आपको ये नहीं पता था तो आपने आज तक जितने भी निवेश किए और अगर आपका उसमें नुकसान नहीं हुआ है तो वहाँ आप समझिए कि आपका लक बहुत अच्छा था, क्योंकि ये ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको हमेशा पता रहनी चाहिए। तो इसमें एक गुड न्यूज़ भी है, इससे थोड़ी राहत हमें मिल सकती है। वो कैसे, मैं बताता हूँ आपको। अब सऊदी अरेबिया से हमने जो पिछले साल क्रूड ऑयल लिया था वो हमने लिया था $85 पर बैरल के रेट से ऑन एन एवरेज। इराक से जो हमने लिया, ये लिया $75 पर बैरल के एवरेज से, ठीक है। और यही हमारे एक एलाय ने हमें ऑयल बेचा है, रशिया ने, किस दाम पर? अराउंड $69-70 पर बैरल, इतने कम दाम पर। और यहाँ पर दोबारा से वहीं से गुड न्यूज़ आई है, रशिया ने कहा है, जो सप्लायर है, रशियन सप्लायर्स, उन्होंने कहा है कि वो हमारे जो इंडियन रिफाइनर्स हैं इन्हें और डिस्काउंट देने को तैयार है, और एस्टिमेशन ये है कि शायद वो 20-25% का भी डिस्काउंट दे दें। तो यहाँ पर इंडिया को फिर से एटलीस्ट ज़्यादा बड़ा झटका नहीं लगेगा। अगर क्रूड ऑयल 100 भी पार करता है तो हम अपने एवरेज कॉस्ट को कम कर पाएंगे रशियन ऑयल, जिसे हम यूरल्स कहते हैं, उसे इंपोर्ट करके। तो यहाँ पर देखते हैं हमें कितनी रिलीफ मिलती है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले एक साल में रशिया का जो शेयर है हमारे इंपोर्ट्स में, ऑयल इंपोर्ट्स में, वो बढ़ते ही जा रहा है। 42% तक हो गया था और उसके बाद अगस्त में ही घटा है। क्यों?
क्योंकि रशियन ऑयल भी महंगे हो गए थे, लेकिन अब अगर हमें बड़ा डिस्काउंट मिलता है तो इस प्रॉब्लम का एक छोटा सोल्यूशन यही है कि रशिया से हम ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करें और एवरेज कॉस्ट को कम लाएं, क्योंकि हम 100% नहीं इंपोर्ट कर सकते वहाँ से, 50% कहीं और से इंपोर्ट करना होगा, तो एवरेज कॉस्ट वो नहीं आएगा जो हम रशिया से बाय कर रहे हैं, उससे थोड़ा ऊपर ही आएगा। ठीक है, तो ये है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ऑयल ट्रेड के बारे में जो मैंने आपको बताया। इसके ये टॉपिक काफ़ी डीप है, नई नई चीज़ें हमेशा होते रहते हैं, काफ़ी चीज़ें हमने स्किप भी कर दी है क्योंकि हम एक वीडियो में इसे नहीं कंटिन्यू कर सकते। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको ऐसे और फंडामेंटल वीडियोज़ देखने हैं और लर्न करना है ऑयल के बारे में, फॉरेक्स के बारे में, करेंसीज के बारे में, तो आप ज़रूर इस वीडियो को भी लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।